अस्सलाम वालेकुम, मैं अथर की माँ हूँ। अथर पिछले 4 साल से UAPA के तहत जेल में है। सब जानते हैं कि UAPA खुद अपने आप में एक काला कानून है। ये लोग जो तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ हमारी उम्मीदें हैं, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और 62 बार हाई कोर्ट में हमारी तारीख हुई, लेकिन हर बार हाई कोर्ट के दरवाजे से हमें अगली की तारीख देकर लौटा दिया गया। आज तक हमारी 2 साल से हाई कोर्ट में बात आगे नहीं बढ़ पाई है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि अब कुछ होगा, हमें भी कुछ जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने जब अपने वकील से ये बात की, तो उन्होंने भी कहा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारी बात सुने तो सही, हम किससे कहें और कैसे कहें। अभी तक हमारा हाई कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। जेल में एक हंगर स्ट्राइक हुई थी, जो किसी और ने की थी, लेकिन उसकी पनिशमेंट के तौर पर अतर के नाम पर एक पनिशमेंट बनाया गया, जिसमें उसकी पिछले 1.5 साल से वीडियो कॉल बंद कर दी गई। 1.5 साल से हम वीडियो कॉल अप्लाई मतलब चालू की जाए इस बात पर बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अतर की दादी और नानी इस स्टेज में नहीं है कि उससे कोर्ट जाकर मिल सकें, वो उसे बहुत याद करती हैं। इस वजह से मतलब वीडियो कॉल पर वो उससे बात कर लिया करती थी, उसको देख लिया करती थी, लेकिन 1.5 साल से कुछ नहीं हो पा रहा। अब क्या कहें क्या ना कहें कुछ समझ में नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं तो हौसला सब मिलता है, पर लेकिन बात आगे हुए जाती हुई महसूस नहीं होती। 62 बार हाई कोर्ट से हमारी तारीख मिल जाती है, लेकिन हम अभी वहीं अटके हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में UAPA में किसी को बेल हुई है, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब बेल मिलती है। अथर मेरा सबसे बड़ा बेटा है और उसने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, हम सबके लिए आवाज़ उठाई, और आज वो इस तस्वीर की शक्ल में हमारे साथ नज़र आता है जगह जगह। 4 साल से जेल में है। मैं नहीं जानती कि किस तरह से ये सब कुछ होगा, लेकिन मुझे अथर की माँ होने पर फख्र है और मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम कल भी जब अथर प्रोटेस्ट का हिस्सा था तो उसके साथ थे, हम आज भी उसके साथ हैं और आगे भी उसके साथ रहेंगे। वो हमारा हौसला है और हम उसका हौसला है। सवाल मुझे भी बहुत दिमाग में आते हैं, मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने इन लोगों पर UAPA जैसा कानून लगाया और जब इतने सालों से इन्हें कैद में रखा हुआ है, तो क्या उन पुलिस वालों से भी कभी जवाब तलबी होगी, उनसे भी कोई जवाब पूछेगा? बस इसी उम्मीद के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। हमें पता है कि मेरा हैदरपुर स्पेशल सेल वाले 1 अप्रैल 2020 में लेकर गए और ये 5वां साल चल रहा है मीरान हैदर का गए हुए। और आप मीरान हैदर ने कोई मीरान हैदर एक उन्होंने अपने हक और इंसाफ के लिए एक आवाज़ उठाया था, ऐसा कोई गलत ऐसा कोई काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से वो जेल में इतना लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाए?
और उनके जेल जाने की वजह से घर वालों पे क्या क्या तकलीफ़ें गुजरती हैं, वो जिसके बेटे चाहे भाई बाप जो अंदर है वही सब जानते हैं। हमेशा मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती है मीरान को लेकर। मैं मीरान को बचपन से जानती हूँ, कभी उसने ऐसा कोई मतलब हरकत नहीं किया जिसे स्कूल से भी शिकायत है चाहे कुछ भी हो। हमेशा उसने हक के लिए आवाज़ उठाया और वो हमेशा मीरान से बात होती है तो हमेशा ये बात कहता भी है कि हम किसी गलत काम पे अंदर नहीं आए हैं, हमें फ़ख्र है कि हमने हक का आवाज़ उठाया, हमें अंदर कर दिया। जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आती हूँ, मैं जाती हूँ, बात होती है तो मैं मीरान से बताती हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में गई थी, बहुत लोग थे तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए, सब लोग मतलब जितने बिजनेस है सबके लिए। तो मीरान कहते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है कि मतलब सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक हिम्मत मिलती है। बस यही।